नमस्कार, मैं ऋचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी पीएम मोदी के देशवासियों को दी सौगात की। प्रियंका गांधी के वायनाड वासियों से खास अपील की और महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर भाजपा के खास प्लान की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। राजस्थान के सीकर में बस हादसा, 12 की मौत, कई घायल। चिड़ी सीट पर महायुति ने नहीं उतारा उम्मीदवार, मनसे नेता बाला नंदगांवकर को सपोर्ट करेगी भाजपा। किसी भी किसान को जमीन खाली करने के लिए नहीं कहा जाएगा, वक्त विवाद पर बोले सीएम सिद्धारमैया। जम्मू कश्मीर में 105 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र, पीएम मोदी को कहा थैंक यू। यूएन पोर्टल लॉन्च में बोले पीएम मोदी, ये दिवाली है ऐतिहासिक, राम मंदिर में पहली बार होगा कहा। मेरठ में पीएम मोदी ने किया एएसआई अस्पताल का वर्चुअल शिलान्यास, सीएम योगी रहे मौजूद। गाजियाबाद कोर्ट रूम में बड़ा बवाल, जज ने बुलाई पुलिस, लाठीचार्ज के बाद वकीलों ने लगाई आग। इंदौर में अनियंत्रित कार ने घर के बाहर रंगोली बना रही युवती और बच्ची को कुचला, नाबालिग निकला चालक। धनतेरस के दिन महंगा हुआ सोना चांदी, 78 के पार पहुंचा सोना चांदी में भी उछाल। धनतेरस के दिन शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 350 अंक टूटा, निफ्टी 24,250 से नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं उस मुद्दे के बारे में जो पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर देश को 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष और इससे अधिक उम्र के नागरिकों को भी शामिल करने की योजना की शुरुआत की। अब सभी आय वर्गों के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग से क्षमा भी मांगी है और इन दोनों राज्यों की सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, मैं इन राज्यों के बुजुर्गों की सेवा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से इन दोनों राज्यों की सरकारें आयुष्मान भारत योजना से जुड़ नहीं रही हैं, इसलिए मैं आप सब से क्षमा मांगता हूं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया है। इसमें एक पंचकर्म अस्पताल, आयुर्वेदिक फार्मेसी, ऑपरेशन यूनिट, सेंट्रल लाइब्रेरी, आईटी स्टार्टअप, इनक्यूबेशन सेंटर, 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम शामिल है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने यहां देश का प्रकृति निरीक्षण अभियान भी शुरू किया। इसका मकसद नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राज्य विशिष्ट कार्य योजना की भी शुरुआत की। खैर, आपको अब ले चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। वो केरल के वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव से अपनी शुरुआत करने वाली हैं। हाल ही में उन्होंने इस सीट से नामांकन दाखिल किया। अब वो खुद वायनाड पहुंची और वहां की जनता को संबोधित किया। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि मेरे भाई की इमेज को खराब करने के लिए उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया है। प्रियंका गांधी ने वहीं आगे कहा कि मेरे भाई की इमेज को खराब करने के लिए उनके खिलाफ अभियान में बहुत सारा पैसा और बहुत सारे रिसोर्स लगाए गए हैं। आपको बता दें कि वायनाड सीट राहुल गांधी के छोड़ देने के बाद खाली हुई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में वायनाड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भी चुनाव लड़ा था और वो दोनों ही सीटों से जीते थे, लेकिन उन्होंने रायबरेली को चुना था। इसके बाद वायनाड सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब अगले महीने उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस सीट पर उनकी जगह उनकी बहन प्रियंका गांधी लड़ रही हैं। प्रियंका गांधी यूं तो राजनीति में बहुत सालों से सक्रिय हैं, लेकिन उन्होंने इन सालों में अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी के सदस्यों के लिए ही जनता से वोट मांगे और दूसरे नेताओं के लिए चुनाव प्रचार किया। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी खुद के लिए चुनावी मैदान में आई हैं। ये उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत भले ही ना हो, लेकिन ये उनका पहला चुनाव जरूर है। प्रियंका गांधी के सामने वायनाड सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने नव्या हरिदास को उतारा है, जो उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। नव्या हरिदास के अलावा इस सीट पर एलडीएफ के सत्यन मुकेरी हैं। ऐसे में बाजी कौन मारता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर।
महाराष्ट्र झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई है। ये बढ़त अपनी ही तरफ से है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी के साथ इस फैक्टर का असर साफ दिखा था। अब खुलकर इसकी पुष्टि भी हो गई है। यहाँ जिक्र हो रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले हाल ही में मथुरा में थे। होसबोले ने जेपी नड्डा के बीजेपी को किसी की भी जरूरत नहीं वाले बयान पर अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि संघ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के इरादों को समझता है। उन्होंने कहा, नड्डा का ये बयान स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के बारे में है, ना कि स्वतंत्रता को तोड़ने के बारे में। संघ और बीजेपी की दूरियां मिटने को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए बड़ी बढ़त माना जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी की आश्चर्यजनक और ऐतिहासिक जीत ने आरएसएस के साथ उसके रिश्तों में आई दरार को फिलहाल पाट दिया है। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक में संघ परिवार के जमीनी प्रयासों ने महत्वपूर्ण बयान दिया। इसे बीजेपी और आरएसएस ने अपनी परस्पर निर्भरता की फिर से पुष्टि की है। माना जाता है कि हरियाणा में आरएसएस के छोटे पैमाने पर नेटवर्किंग, सामाजिक संपर्क और छोटी छोटी सभाओं के पारंपरिक तरीके प्रभावी रहे। दूसरी तरफ बीजेपी नेता इस बात पर जोर देते हैं कि जमीनी स्तर पर पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं के बीच कभी कोई तनाव नहीं रहा। बीजेपी की तरफ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव में बंटोगे तो कटोगे की बात कही। इसके बाद से पीएम मोदी ने भी इसी तर्ज पर बांटने वाले जश्न मनाएंगे वाला बयान दिया। इसके बाद से पार्टी के कई नेताओं ने इसका समर्थन किया। बीजेपी के संघ ने भी हाल में मुहर लगा दी है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से हम रूबरू करवा देते हैं। देश में अगले साल से जनगणना की शुरुआत होने जा रही है। सरकार का ये काम 2026 तक चलेगा। देश में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन 2021 में इस पर ब्रेक लग गया था। कोविड महामारी के कारण इसे टालना पड़ा था। अब जनगणना का चक्र भी बदलेगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। इस बार की जनगणना कई मायनों में खास होने वाली है। खास इस वजह से क्योंकि ये ऐसे समय हो रही है जब भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने का गौरव हासिल किया है। ये रिकॉर्ड अब तक चीन के नाम था। वहीं कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग भी हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। सामान्य अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है। इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। जैसे कर्नाटक में सामान्य वर्ग में आने वाले लिंगायत स्वयं को अलग संप्रदाय के मानते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। यानी कि धर्म वर्ग के साथ साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। अब जनगणना ऐसे समय होगी जब देश के कई राजनीतिक दल जाति आधारित गणना की मांग कर रहे हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने जाति सर्वेक्षण पूरे भी कर लिए हैं और तेलंगाना जैसे अन्य राज्य इसके लिए तैयार हैं। वहीं जनगणना में लोगों से सर्वे में 31 सवाल पूछे जाएंगे, जैसे परिवार के व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार की मुखिया महिला है या नहीं, परिवार के पास कितने कमरे हैं, परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या कितनी, क्या परिवार के पास टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल है क्या, उनके पास कार, जीप या अन्य वाहन है। इसके अलावा परिवार के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े अन्य सवाल भी पूछे जाएंगे। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।